श्री राम के नाम। इसमें जश्न का माहौल है, इसका कारण है 22 तारीख। 22 तारीख बेहद खास होने वाली है। अभी हम मौजूद हैं अयोध्या में। अयोध्या में 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे। योगी जी जो यहाँ के सीएम है, उनका कहना है कि अयोध्या में 100 चार्टर्ड प्लेन लैंड करेंगी अयोध्या एयरपोर्ट पर। तो अभी यहाँ पर आप माहौल देख सकते हैं, कितना भव्य बनाने की इसकी कोशिश की गई है। पूरा लाइटों से पूरा अयोध्या जो है वो चमक रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर से आए हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसी खुशी है इनकी, कैसी प्रतिक्रिया है राम मंदिर। सर कहाँ से आए हैं, आपका बहुत स्वागत है। हम लोग नासिक, मुंबई, पुणे और गुजरात से। हमारा गुजरात में तीर्थ धाम प्रेरणापीठ करके हमारा मंदिर है, वहाँ से हम लोग करीबन 4.5 लाख प्रसाद का पैकिंग लेके आए हैं और यहाँ पे प्रसाद बांटने का सौभाग्य हमको मिला है। आप यहाँ प्रसाद वितरित करने का काम करेंगे? हाँ, हम लोग यहाँ साधु संत की सेवा और प्रसाद बांटने का काम करेंगे। अच्छा, इतने वर्षों बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है मंदिर में, भगवान श्री राम टेंट से मंदिर में आ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? उसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना खुशी का माहौल है और ये सौभाग्य हमको मिला है। यहाँ पे ये मौका पे हम लोग आए तो बहुत खुशी हो रही है, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बहुत खुशी हो रही है। अयोध्या के आपको कैसा लग रहा है सर? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है, क्या दुल्हन की तरह ये इनको सजाया गया है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। बोले तो दिल से बोल नहीं सकते कितना मजा आ रहा है। राम मंदिर जो है इतने वर्षों बाद बनने जा रहा है, इसके दो पक्ष बट गए हैं। अभी एक है जो कह रहा है कि बीजेपी इसको इवेंट बनाने की कोशिश कर रही है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी का इवेंट्स नहीं है, वो जो गलती हो रहा है। आज पूरी दुनिया में ये उत्सव का माहौल है और ये घड़ी की पूरी दुनिया रात देख रही थी। आज जो लोगों ने इच्छा दर्शाया कि समझो अहमदाबाद से एक प्रसाद का इच्छा दर्शाया तो प्रसाद पहुंच गया, हमने भी इच्छा दर्शाया कि कार्यक्रम में शामिल हो तो हमको भी इधर हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया और हमको मौका मिल गया। वैसे नगर वाले को भी था, वो भी आया, उद्बत्ती था 108 फुट का, उनका भी ये पूरा नेपाल से कपड़ा आया है। ऐसे ही नहीं होता है, कृपा के बिना नहीं होता है, वो तो जिसको जो बोलना है बोलने दो, लेकिन ऊपर वाले की कृपा के बिगैर होता ही नहीं। सबकी इच्छा राम भगवान ने छोटा रहने दो बड़ा रहने दो पूरी करिए, इसमें राजकीय कोई ये नहीं है। भगवान तो सबके, रामचंद्र भगवान सबके है, इसके लिए कोई ये नहीं है। जय श्री राम। अच्छा, महाराष्ट्र के जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना लोगों में उत्साह है। यहाँ लोग बाहर से आए हुए हैं सभी लोग, और यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रसाद से आए हुए हैं 10 लोग, पुणे से आए, नासिक से आए, बॉम्बे से, ऐसे 50 लोग हम लोग इधर सेवा करने के लिए आए, और हमको 22 तारीख को जब भी पूजा होएगा तभी प्रसाद बांटने का काम मिला है। वो नसीब से मिलता है और इच्छा थी, हमने कोई तो हमने भगवान ने बुला लिया है सेवा करने के लिए। इससे बढ़िया क्या होएगा। अभी हमारा संकल्प पूरा किया भगवान ने, छोटा आदमी रहने दो या बड़ा रहने दो, तो सबका संकल्प उसने इच्छा पूर्ण की रामचंद्र भगवान ने। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम नासिक से आए। अभी नासिक से आए हैं। हाँ।